x minus 2. 3x square plus 5x minus 2. इसके जो number of zeros निकालना चाहते हैं, number of zeros. तो क्या करेंगे? इस second degree polynomial को हम 0 के equal लिखेंगे. इसका मतलब 3x square plus 5x minus 2 is equals to 0. अब इसके हम factor करने जा रहे हैं. तो हमें क्या मिलेगा? 3x square 3 into 2 6 पर minus करके क्या लाना है 5 तो क्या लिखा जाए 6 के ऐसे factor 6 into 1 6 minus 1 क्या हो गया 5 factor करने का तरीका तो सबको पता है ठीक है अब यहां पर देखो कि क्या आ रहा है हमारे पास 3x square plus 6x minus x minus 2 is 0 इसमें 3x कॉमन ले लो तो x plus 2 इसमें minus 1 कॉमन ले लो x plus 2 is 0 तो हमारे पास क्या आ गया 3x minus 1 and x plus 2 is equals to 0 तो number of zeros कैसे मिलेंगे जब हम इसको भी 0 रखें और इसको भी 0 रखें तो 3x minus 1 is 0 and x plus 2 equals to 0 यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1 by 3 और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी minus 2 ठीक है तो यहां से sum of zeros क्या आ गया ये हो गया 1 by 3 plus minus 2 ये हो गया 1 by 3 minus 2 1 minus 6 minus 5 upon 3 ठीक है अब यहां पर देखिए इसी expression को हम क्या लिख रहे हैं यहां से देखना यहां पर जो 3 है वो क्या है coefficient of x square 3 क्या है coefficient of x square 5 क्या है coefficient of x और minus 2 क्या है constant term ये बात सबको समझ में आ रही है कि x square का coefficient मतलब क्या होता है जैसे x square के साथ जो constant वाला term है इसको हम coefficient बोलते हैं ठीक है x square का coefficient यहाँ पर क्या है 3 x का coefficient क्या है 5 पर ये कांस्टेंट टर्म तो यहां पर जो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला है वो यहां से एक नए एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं इसी को -5 तो माइनस लगा दो बाहर और 5 है क्या कोफिशिएंट ऑफ x हो गया और 3 क्या है 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x square coefficient of क्या है x square ठीक है sum of zeros के लिए हमने ये result निकाल दिया अब यहां पर देखो product of जब zeros करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 by 3 और minus 2 को into कर रहे हैं इसको किसको 1 by 3 और minus 2 को तो हमारे पास क्या आएगा minus 2 upon 3 तो यहां पर देखो कि जो minus 2 upon 3 है वो है किसके equal तो ये minus 2 क्या है constant और 3 क्या है coefficient of x square कंपेयर करके ही पता चल रहा है तो जो product of zeros है किसके इक्वल हुआ constant upon coefficient of x square coefficient of x square ये तो इक्वल हुआ
अब जो नंबर ऑफ जीरोस है हमारे पास इनको अब हम कुछ और नाम देंगे इसको नाम अल्फा और इसको नाम बीटा बस नंबर ऑफ जीरोस का एक नाम है अल्फा और बीटा नंबर ऑफ जीरोस के दूसरे का नाम बीटा अल्फा बीटा ग्रीक लेटर्स हैं बीटा में ये लाइन थोड़ी सी लंबी होती है तो यहां से अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी निकाल सकते हैं वो क्या होगा देखो तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा ही तो है सम की बात कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस की सम ऑफ जीरोस ये अल्फा प्लस बीटा की इक्वल है तो इस केस में क्या आ रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट क्या आ रहा है प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया अल्फा बीटा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लें जैसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेना चाहते हैं ये अभी मिटा रहे हैं स्टैंडर्ड हो गई सेकंड डिग्री की ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है स्टैंडर्ड अब यहां से देखो ये भी इसे कंपेयर कर सकते हैं ए है यहां पर बी है और सी है ठीक है तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा जो यहां निकल कर आया था उसी के इक्वल तो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस बी यहां पर बी तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ए है तो इस सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए अगर नंबर ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा हैं अल्फा और बीटा क्या हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस तो उनका सम क्या होगा माइनस बी अपॉन ए अब प्रोडक्ट की बात करें अल्फा बीटा यहां से देखो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट इज सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए के इक्वल ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है सेकेंड डिग्री पॉलीनोमियल के लिए अल्फा बीटा क्या है नंबर ऑफ जीरो अब देखो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस पता है ठीक है नंबर ऑफ जीरोस पता है तो हम सेकंड डिग्री की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अब देखिए कैसे अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस पता है तो हम सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं देखिए कैसे यहां पर लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी सेकेंड डिग्री है अब क्या करेंगे इसमें इसमें हमने ए कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए यहां से समझिएगा यहां पर ए को हमने कॉमन ले लिया जब हमने a को कॉमन लिया तो यहां x स्क्वायर आएगा अब यहां b अपॉन a x प्लस c अपॉन a अगर हम इस a को इस एक्सप्रेशन में इंटू कर दें तो हमें यही तो मिल जाएगा वही रहेगा ना एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है अब चेंज करने जा रहे हैं अब देखो क्या कह रहे हैं x स्क्वायर b by a की वैल्यू क्या है देखो ये हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए दोनों साइड माइनस से इंटू करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस तो बी बाई ए क्या हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू हम यहां रख रहे हैं बी बाई ए की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अब सी बाई ए की वैल्यू क्या है अल्फा बीटा अल्फा बीटा ये रख सकते हैं है ना तो अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा नोन है अल्फा एंड बीटा नोन
ठीक है, अगर अल्फा और बीटा मालूम है तो हम जानते हैं, मान लो नोन है, वी नो ठीक है। तो यहां से एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बहुत सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर हमें अल्फा और बीटा मालूम है तो हम ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में देखो, इसी का एक और फॉर्म देखो, क्या है, यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्या कर रहे हैं हम यहां पर, ए अब यहां एक्स स्क्वायर इसको ओपन कर दिया, अल्फा एक्स बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा कर दिया। अब यहां पर देखो क्या करने जा रहे हैं, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस अल्फा, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, बीटा कॉमन ले रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा। अब इसको देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, कॉमन लेना थोड़ा सा आना चाहिए, और ये याद रखिएगा कि अगर आप अंदर इंटू कर दें, ब्रैकेट हटा दें, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो गया, ए टाइम्स एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस अल्फा। अगर अल्फा और बीटा पता है तो ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है और ये भी अप्लाई किया जा सकता है, चॉइस आपकी होगी। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, अप्लाई इसको भी किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ए क्या है, ए इज कॉन्स्टेंट, ए क्या है, ए इज सम कॉन्स्टेंट, क्या है पता नहीं लेकिन एक कॉन्स्टेंट है। अगर हमसे ये कहा जाए कि आप एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फॉर्म करिए, यहां से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये कहा गया, क्वेश्चन ये है कि कोई जो सम है, मान लो सम ऑफ जीरोस को अब हम अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अल्फा बीटा क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। मान लो अल्फा प्लस बीटा दे दिया आपको 4, ठीक है, और अल्फा बीटा दे दिया जाकर के प्रोडक्ट मान लो 6 है, ऐसे मान लो, या अल्फा बीटा 5 है और प्रोडक्ट हमारे पास 6 है, और ये कहा गया कि आप सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बनाएं, इसके नंबर ऑफ जीरोस कुछ होने चाहिए, ठीक। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 5 हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 हो गया। अब ए की प्रॉब्लम है यहां थोड़ी सी, ठीक है, ए के होने से इसके क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए तो कोई कांस्टेंट है ना, जैसे ये लिखा है मान लो 3x² 5x + 6, ये भी सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहां पर मान लो कि 7 लिखा हुआ है या 7/8 लिखा है, x² - 5x + 6, तो ये भी क्या है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये जो कांस्टेंट है इसकी हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी है, जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि सेकेंड डिग्री आपको निकालना है तो आप क्या ध्यान रखेंगे इस बात का कि एक्सप्रेशन में ये आंसर होगा, इस कांस्टेंट से कोई फर्क